भटकते भटकते अगर मेरी वीडियो पे आ गए तो वेलकम भाई आपका। बाबू एक या फिर डेढ़ दो मिनट लूंगा, इससे ज्यादा नहीं लेने वाला। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 7-8 दिन बचे हैं और आपको डर लग रहा है कि सर नेवी का पेपर जल्दी आ गया और ऐसा में हम ऐसी स्थिति में हम क्या करें सर, कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े और क्या छोड़े क्या पढ़े, सर दिल में धक धक और धड़कन तेज होती जा रही है। बाबू टाइम सभी को सेम मिलेगा, आपको केवल अकेले को नहीं मिलेगा। तो बस मुद्दा ये है सर क्या पढ़ा जाए और क्या चढ़ा जाए। तो बाबू ये वीडियो लास्ट तक आप जरूर देखना। बाबू 5 पॉइंट मैंने लिखे हैं, एक एक पॉइंट पे आपको क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है जी। चलो जी बाबू आपका पहला जो पॉइंट है वो क्या लिखा हुआ है, नया आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। आपको बाबू नई चीज चाहे वो मैथ की हो, चाहे वो जीके की हो, चाहे वो इंग्लिश किसी भी सेक्शन की हो, आपको नई चीज अभी फॉलो नहीं करनी है। देखो बाबू दूसरी नोट पॉइंट ये है सर, रिवीजन जितना कर सकते हो बाबू बार बार करो। देखो आपने जो भी लास्ट टाइम पढ़ा था आप जितना बेहतर उसको पढ़ सकते हो उतना बेहतर पढ़ने की कोशिश करो, नया आपको पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। देखो बाबू मैं बात करता हूँ जीके की और रीजनिंग की, जितना दबा के क्या कर सकते हो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना दबा के आप प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस पे फोकस करो। एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाबू अपना मॉक टेस्ट। बाबू एक मॉक टेस्ट तो आप रात को लगा लो, एक सुबह लगा लो, तो दिन के आपको 2 मॉक टेस्ट तो जरूर से देने। आप कहीं भी लगाओ आप मॉक टेस्ट, चाहे वो ऑफलाइन लगाओ चाहे आप ऑनलाइन लगाओ। अगर ऑनलाइन लगाओगे तो बाकी ज्यादा बेस्ट रहेगा क्योंकि वहां पे नेगेटिव मार्किंग रैंकिंग वगैरह सारा आपके पास आ जाता है सिस्टम। इंग्लिश की ग्रामर और वोकैब को कैसे तैयार करें, सर इंग्लिश की ग्रामर और वोकैब ही कहूंगा बाबू। वोकैब अगर आपने जितनी पढ़ी उतनी कर लो, अगर कर सकते हो तो वन वर्ड वगैरह पढ़ जाना क्योंकि सिनोनिम्स एंटोनिम्स आप नहीं कर पाओगे। बाबू ग्रामर जितनी भी हो सकती है, जितने भी नियम है गोल्डन रूल है वो सारे आपको क्या करना है, नरेशन वॉइस से 10 से 2-2, 3-3 क्वेश्चन क्या है, 10 से 2-2, 3-3 प्रीपोजिशन 2 क्वेश्चन आते हैं, नरेशन वॉइस से वहां पे क्वेश्चन फिक्स आते हैं। तो बाबू ये तो थी अपनी पचोड़, ये 5 चीजें आपको फोकस करनी है। देखो बाबू दूसरी चीज ये रही सर, धक धक हो रही है और डर भी लग रहा है। देखो बाबू हर चीज हर किसी इंसान के लिए चीजें लागू होती है, मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए। बाबू आपको अपने उन माँ बापों के लिए मेहनत करनी है जो केवल आपके लिए जीते हैं, जिन्होंने पढ़ाई के नाम से कुछ भी नहीं किया हो, वो अनपढ़ है लेकिन बेटा वो आपकी पढ़ाई की कीमत ये जानते हैं कि सर अपना बेटा पढ़ेगा वो नेवी में सोल्जर बनेगा, एयरफोर्स में एयरमैन बनेगा। तो बाबू आपको केवल अपने माँ बापों के लिए लास्ट के 10 या फिर 7-8 दिन जो बचे हैं उसमें दबा के आपको रिवीजन करना है, दबा के आपको मेहनत करनी है। अगर हो सके तो बाबू 5-7 दिन के लिए आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो और जितना जल्दी वहां पे पहुंच सकते हो उतना जल्दी जाओ और जितना लेट आप आ सकते हो उतना लेट आओ। यही आपका क्या रहना चाहिए, 7-8 दिन का शेड्यूल रहना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।